वहीं पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत कई बड़े बीजेपी नेताओं ने राजभवन जाकर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल को पीएम की सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान गृह मंत्री अनिल विज, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा समेत कई मंत्री और नेता मौजूद रहे। राज्यपाल से मुलाकात के बाद ओपी धनखड़ ने कहा, इस मामले की गहनता से जांच की जाएगी। गृह मंत्री अनिल विज ने पंजाब सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा, यह एक बहुत बड़ी चूक है। पंजाब में जो प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक हुई है, ये चूक बहुत बड़ी गलती है और इस चूक को किसी प्रकार के बयानों से ढापा नहीं जा सकता और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये मांग हमने अपने ज्ञापन में की। ये निर्णय जो है वो केंद्र सरकार करेगी, लेकिन ये चूक बहुत बड़ी है और ऐसी चूक के बाद हमें नहीं लगता कि कोई जिम्मेवार सरकार अभी पंजाब में है और उसको बने रहने का कोई हक है। किसी भी प्रकार के बयान से इस चूक को ढापा नहीं जा सकता। ये बहुत बड़ी गलती है और इस गलती को किसी भी प्रकार से माफ नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुरक्षा प्रदान ना किए जाने पर और उनका रास्ता रोके जाने पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जी ने जो स्पष्टीकरण दिया कि देश में प्रजातंत्र है, कोई भी रास्ता रोककर प्रधानमंत्री से बात कर सकता है, ये उनका स्पष्टीकरण नहीं है, ये उनकी स्वीकारोक्ति है कि इस षड्यंत्र में उनकी पूरी तरह से संलिप्तता है। देश में प्रजातंत्र है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि प्रधानमंत्री जी को चौंक चौंक पर रोककर जा सके।